इन दिस पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग द डिटेल्स अबाउट इंडिकेटर्स तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं अपने सिंपल बाइक तो चलाया होगा कभी मान लो आपने राइट right वाला इंडिकेटर दिया जला दिया राइट right वाला इंडिकेटर तो इसका मतलब आप ऐसे मोड़ने वाले हैं मान लो आपने लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला दिया तो आप ऐसे मोड़ने वाले हैं मीन्स वो इंडिकेट करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं वैसे इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि जो हमारा सोल्यूशन है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एसिडिक में जा रहा है या फिर बेसिक में जा रहा है या फिर वो उसका पी कितना है एंड पॉइंट आया नहीं आया इन सबको इंडिकेट करता है सो लेट सी द डिटेल्स अबाउट इंडिकेटर तो सबसे पहले इंडिकेटर का डेफिनेशन देख लेते हैं इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच एक्सिबिट्स कलर चेंज इट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन तो इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर स्टेज में कलर चेंज शो करता है जैसा आप इलुस्ट्रेशन में देख रहे हैं कि पहले हमारे पास एसिडिक मीडियम में दूसरा कलर था कलरलेस था यहाँ पर हमने फिनापथिल इंडिकेटर यूज किया जैसे ही ये बेसिक मीडियम हुआ मीन्स ड्यूरिंग टाइट्रेशन जैसे ये बेसिक मीडियम हुआ इसका कलर चेंज होकर पिंक कलर हो जा रहा है तो यहां पर जो कलर चेंज हो रहा है कलर लेस से पिंक कलर वो इंडिकेटर के कारण होता है हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देते हैं बेसिक मीडियम में अलग कलर देते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स का कुछ क्वालिटीज होता है फर्स्ट है दे एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स एट वेरियस पीएच रेंज मीन्स अलग अलग पी एच रेंज में अलग अलग कलर शो करते हैं एंड इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस जो इंडिकेटर होते हैं आधर वो वीक एसिड होते हैं या फिर वीक बेस होते हैं तो ये इंडिकेटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर यूज होते हैं एसिड uh, बेस्ट्रेशन में जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम में लिया हुआ है सीरियल नंबर सेकंड कॉलम में लिया है इंडिकेटर थर्ड में लिया है पीएच रेंज फोर्थ में लिया है कलर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड लास्ट में लिया है कलर इन एल्केलाइन सोल्यूशन फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा क्विनल डीन रेड इसका जो पी रेंज होता है वन टू थ्री पॉइंट इस रेंज में कलर चेंज शो करेगा और ये एसिडिक मीडियम में कलर लेस रहता है एल्केलाइन मीडियम में रेड कलर शो करता है ठीक है तो ये कलर लेस से रेड कलर शो करेगा सेकंड होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज इसका जो पीएच रेंज होता है 2.9 टू फोर इसका जो एसिडिक मीडियम है उसमें ये रेड कलर में रहता है और जैसे ही एल्केलाइन मीडियम होता है ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे यहाँ पर हुआ थर्ड है हमारा ब्रोमो ग्रीन इसका पीएच रेंज होता है 3.6 पॉइंट सिक्स टू फाइव पॉइंट टू ये हमारा येलो कलर में होता है एसिडिक मीडियम में जैसे ही एल्केलाइन मीडियम में जाता है इसका कलर हो जाता है ब्लू फोर्थ होता है हमारा मिथाइल रेड इसका जो पीएच रेंज है फोर पॉइंट टू टू सिक्स पॉइंट थ्री इसका जो कलर होता है रेड एसिडिक मीडियम में और एल्केलाइन में जैसे ही जाता है ये हो जाता है येलो नेक्स्ट वन इज ब्रोमोथाइमॉल ब्लू सिक्स पॉइंट जीरो टू सेवन पॉइंट सिक्स इसका जो एसिडिक मीडियम में कलर होता है येलो जैसे एल्केलाइन मीडियम में हो जाता है ये ब्लू नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल रेड इसका सिक्स पॉइंट एट टू एट और इसका जो एसिडिक मीडियम में कलर होता है रेड जैसे एल्केलाइन में जाता है इसका कलर हो जाता है ऑरेंज सेवंथ वन इज फिनॉल रेड इसका जो कलर होता है सिक्स पॉइंट एट टू एट पॉइंट फोर में चेंज होता है स्टार्टिंग में मीन्स एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है येलो जैसे ये एल्केलाइन सोल्यूशन में जाता है इसका कलर हो जाता है रेड नेक्स्ट वन इज फिनॉपथलीन जैसा कि आपको सबको पता है एट पॉइंट थ्री से टेन के बीच में ये कलर चेंज सो करता है और इसका एसिडिक मीडियम में कलर होता है कलरलेस और जैसे एल्केलाइन मीडियम में जाता है ये हो जाता है हमारा पिंक

तो बेसिकली दो टाइप की थ्योरी है इंडिकेटर के लिए जो इंडिकेटर के वर्किंग को या फिर मैकेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं पहला होता है हमारा ओस्ट थ्योरी और दूसरा होता है हमारा रेजोनेंस थ्योरी तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ओस्ट थ्योरी क्या होता है द अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर एसिड एच आई एन और अ बेस आई एन ओ एच हैज कलर डिफरेंट टर है, है और यदि वो वीक बेसिक इंडिकेटर है तो उसको आई एन ओ एच से डिनोट करेंगे तो आई एन का जो कलर होगा इसके जो आम लोग यहां पर देख लेते हैं एच प्लस और आई एन माइनस तो यहां पर आई एन का कलर डिफरेंट होगा और एच प्लस और आई एन माइनस का कलर डिफरेंट होगा यहाँ पर यह बोला जा रहा है ये हमारा अनडिसोसिएटेड है यह हमारा डिसोसिएटेड है, है तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर डिफरेंट होगा और डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर डिफरेंट होगा यहाँ पर एच सी एल लेते हैं मान लो हमारे पास एच आई एन है मीन्स ये इंडिकेटर है और यहां पर हमने एच सी एल लिया हुआ है जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रांग एसिड भी H प्लस आयन देगा और जो हमारे पास इंडिकेटर है वो वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है यहाँ पर हमने वीक एसिडिक इंडिकेटर लिया हुआ है तो वहाँ पर भी H प्लस आयन आएगा अब यहाँ पर देखोगे तो एक कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है और इस कॉमन आयन इफेक्ट के होने की वजह से क्या होगा इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा जो इंडिकेटर का मीन्स वीक एसिडिक इंडिकेटर है और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो भी एसिडिक है तो इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो जाएगा इंडिकेटर का अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जब ये कंडीशन हमारे पास मीन्स हमारे पास जो एच प्लस आयन है वो कंसेंट्रेशन कम होगा सोल्यूशन में जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास पी एच सेवन से ऊपर चला जाएगा मीन्स बेसिक या फिर एल मीडियम में जाएगा तो जो एच आई एन है उसका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट होगा या फिर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में एच प्लस और आई एन माइनस के फॉर्म में आ जाएगा इंडिकेटर और उसका कलर अलग होगा मान लो यहां पर एच आई एन का कलर एक्स है तो एच प्लस और आई एन माइनस एन का जो कलर है वो वाई होगा और इसी कलर डिफरेंस पे हम लोग का बेस्ड होता है ओस्ट थ्योरी। अब सेकंड एग्जांपल ले, ले लेते हैं आई एन ओ एच ये हमारा डिसोसिएट होता है आई एन प्लस और ओ एच माइनस में यहाँ पर एन ओ एच है मान लो सॉल्यूशन में तो यहाँ पर फिर से कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा ओ एच माइनस आइन के कारण और इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा तो हमारे पास जो एलकेलाइन मीडियम है उसमें इसका जो आई एन ओ एच है इसका कलर मान लो पी है इसका कलर क्यू है तो एन एच के प्रेजेंस में मिस एल्केलाइन मीडियम इसका कलर आ जाएगा पी और जैसे ही हमारा एसिडिक मीडियम हो जाएगा उसमें इसका कलर चेंज होकर के हो जाएगा क्यू और उसी को हम लोग डिनोट करते हैं तो आई होप आपको ओस्टवाल थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नाउ इन दिस पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग द रेजोनेंस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स सो लेट्स सी द डिटेल्स अबाउट दिस रेजोनेंस थ्योरी तो रेजोनेंस थ्योरी क्या होता है द डिफरेंस इन ए कलर ऑफ सम कंपाउंड इन एसिड एंड अ बेस मीडियम इज अबेरेंटली ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ टू फॉर्म्स मीन्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है इंडिकेटर का वो दो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है रेजोनेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है मीन्स एक जो फॉर्म होता है वो रेजोनेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक जो होता है नॉन रेजोनेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो रेजोनेंस फॉर्म का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा नॉन रेजोनेंस का कलर जो होगा वो डिफरेंट होगा तो इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं ये हमारे पास फिनोपथिलीन है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये रेजोनेंस फॉर्म नहीं है और ये हमारे पास होता है कलरलेस जैसे ही ये हमारा एसिडिक मीडियम से ओ एच माइनस एन गेन करता है मीन्स बेसिक मीडियम की तरफ जाने लगता है क्योंकि ओ एच माइनस एन हमारा एल के लाइन या फिर बेसिक मीडियम से आता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है यहाँ पर ये यह वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के इस तरीके से हो गया ये ओ एच में कन्वर्ट हो गया और ये सी ओ ओ माइनस एन में अब नेक्स्ट स्टेप में मान लो एक और ओ एच माइनस आयन आया है हमारा बेसिक मीडियम में मींस बेसिक मीडियम हमारा बढ़ता जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो ओ एच था वो ओ माइनस में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर बॉन्ड में कुछ चेंजेस आए हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर जो ओ OH एच है वो डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया और सी ओ ओ माइनस एज इट इज है तो यहाँ पर ये दोनों रिंग सिमिलर था स्टार्टिंग में तो इसमें रेजोनेंस की भी पॉसिबिलिटी है इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये रेजोनेंस हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ गया और यहाँ पर ओ माइनस आयन आ गया ठीक है तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा जा सकता है मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस हो गया और इस रेजोनेंस होने की वजह से इसमें जो है कलर चेंज आ जाता है और इसका कलर हो जाता है पिंक या फिर रेड तो हमारे पास जो एल्केलाइन मीडियम है उसमें का कलर पिंक या फिर रेड होता है जनरली हम लोग पिंक लिखते हैं और एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर होता है कलरलेस होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस थ्योरी सो आई होप आपको रेजोनेंस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर समझ में आ गया होगा और ये हमारा कंप्लीट हो गया थैंक यू सो मच